आज हम यहाँ सानंद में हैं और पास में अहमदाबाद है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उद्योग मंत्री जी ने, बलवंत सिंह जी ने, दोनों ने कहा कि भाई कल वंदे भारत पीएम साहब राजकोट जामनगर से लॉन्च करने वाले हैं, फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। क्या वंदे भारत सानंद में रुक सकती है? क्या रुकनी चाहिए? क्या रुकनी चाहिए वंदे भारत? क्या खटाखट जाके आ सको आराम से? अहमदाबाद जाना है, खाखरा खाना है, थेपला खाना है, वहां गए आइसक्रीम खा के इधर आ गए वापस। चलो, आपके यहां भी सानंद में वंदे भारत रुकेगी। और बहुत जल्दी अहमदाबाद से सानंद के बीच में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन सर्विस, जिसमें आप अपनी चिप्स ले जा सकते हो शरेंगे और लोगों आराम से अपने जितने भी काम करने वाले, अपने जितने भी यहाँ पे पूरे सानंद एरिया में जो भी काम करने वाले बंधु होंगे, उनके लिए अहमदाबाद से कनेक्टिविटी फर्स्ट क्लास हाई स्पीड अच्छी ट्रेन से कनेक्टिविटी जल्दी आपके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर अंदर रेडी कर देंगे। साथियों, इसी जज्बे के साथ काम करें और दुनिया भर में हिंदुस्तान के प्रति आज जो गौरव है, हिंदुस्तान के प्रति आज जो विश्वास है, मोदी जी की लीडरशिप को आज ट्रस्टेड लीडरशिप कह रहे हैं। तो मोदी जी ने आपके भविष्य की गारंटी दी है कि हिंदुस्तान को सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बनाएंगे, बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का सेंटर बनाएंगे। ये मोदी जी ने गारंटी दी है और ये गारंटी है मेरे नौजवान साथियों, ये आपके भविष्य की गारंटी है। ये डेटा मैंने आपके सामने इसलिए रखा, बहुत ही सीरियस विषय है। आज सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हम जितना भी अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, उस सब में सेमीकंडक्टर लगता है, उस सब में चिप्स लगती है। और हिंदुस्तान में आज करीब करीब 2 लाख करोड़ की चिप्स की डिमांड है। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये डिमांड होने वाली है 5 लाख करोड़ की। तो क्या हम 5 लाख करोड़ बाहर भेजेंगे? नहीं भेजना चाहिए हमें। आत्मनिर्भर भारत में जो पीएम साहब का विजन है, आत्मनिर्भर भारत में डिजाइन की हुई और भारत में मैन्युफैक्चर की हुई सेमीकंडक्टर से, चिप से अपने देश को आगे बढ़ाना, इसीलिए आज के इस प्रोजेक्ट का बहुत महत्व है। पीएम साहब ने 22 जून को माइक्रोन के साथ अमेरिका में अपनी स्टेट विजिट में अग्रीमेंट साइन करवाया था। आज कितनी तारीख है भाई? तारीख कह दो जरा। 22 जून थी, आज कितनी तारीख है? 23 सितंबर। कितने दिन हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 90 दिन। कितने? 90 दिन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, आज भूमि पूजन हो रहा है। ये होती है डबल इंजन की सरकार। एक तरफ भूपेंद्र भाई साहब बिल्कुल फोर्स के साथ, जिस दिन भी मतलब सिस्टम ऐसा है सीएम साहब का, फोन पे बात हुई नहीं, फोन नीचे रखा नहीं और नीचे तक मैसेज चला जाता है कि खड़ा खड़खड़ा कर काम करना है, और ऊपर से पीएम साहब का आशीर्वाद। ये होती है काम करने की स्पीड। सारी की सारी दुनिया आज इसको देख रही है। मेरे पास, राजीव जी के पास, अमितेश के पास या नेहा जी के पास भी मैसेज आते होंगे। डे इन एंड डे आउट लोग आश्चर्यचकित है कि 90 दिन के अंदर अंदर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है? लोग कहते हैं, पहले सोचते थे कि पता नहीं सेमीकंडक्टर अलग ही चीज है। आज सबके मुंह बंद हो गए,
आज सबके मुंह बंद हो गए और अब सिर्फ एक के बाद नए प्रपोजल्स आने वाले हैं और इसमें गुजरात लीड लेगा। हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बनेगा। 2014 में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती थी? 17,000 करोड़। नोट किया? अब अंदाजा लगाओ अब कितनी होती है। थोड़ा कोई गेस करेगा? 17 का ज्यादा ज्यादा क्या 10 गुना हो गया होगा, ऐसा सोचो ना, गेस करो। 2 गुना हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा। कोई गेस नहीं करेगा? देखो भाई अंदाजा लगाओ, सबसे ब्राइट बच्चा कौन है इसमें? सबसे ब्राइट कोई नहीं है, हाथ नहीं उठा रहा। 3,65,000 करोड़ आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। 3,65,000 करोड़ कितना गुना हो गया भाई? ये कैलकुलेटर निकाल के देखो, 22 गुना, 22 times। मोबाइल का जो एक्सपोर्ट होता था आज से 9 साल पहले 7,000 करोड़, नोट कर लेना अपने इंस्टा टाइम्स। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1,90,000 करोड़ थी, अब कितनी हो गई? 8,30,000 करोड़। 8,30,000 करोड़।